उत्तर प्रदेश मध्ये काँग्रेस आघाडी घेत असल्याचं दिसून येत आहे, त्यामुळे काँग्रेस कार्यकर्ते उत्साहात दिसत आहेत. काँग्रेस कार्यकर्ते उत्साहात दिसत असले तरी भाजप कार्यालयात मात्र कार्यकर्ते शांततेत आहेत. दरम्यान ज्येष्ठ भाजप नेते यांच्यासोबत बातचीत केली आमचे प्रतिनिधी उदयती मांडे यांनी. कार्यकर्ता मात्र तिथे जल्लोष सुरू नाही, आपल्यासोबत काही भाजपचे स्थानिक नेते आहेत. मुझे बताइए क्या लग रहा है आपको, जिस तरह से ये सब रुझान आ रहा है भाजप के हित में नहीं दिख रहा है. भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में सरकार बना रही है, पूर्ण बहुमत से बना रही है, इसमें कोई संशय नहीं है. भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बड़े संयम है और नियमित वो काम करते हैं. वो जल्दबाजी में ढोल ढमाका फुलबारिश नहीं करते, उसके बाद रोक देते हैं. अभी आपने देखा होगा कांग्रेस कार्यालय में ढोल ढमाका किया, उसके बाद रुक गए. उनको एहसास हो गया कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है और पूर्ण विश्वास के साथ मैं कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना रही है. लेकिन भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबके विकास के कंसेप्ट को लेकर नीचे गई थी और धरातल में हम चौथी बार पुनः भारी बहुमत के साथ सरकार बना रहे. लेकिन अगर ये स्थिति देखा जाए तो कोई बड़ा नेता जो है ये भाजप कार्यालय में नहीं दिख रहा है, तो क्या भाजप के नेताओं ने मान लिया? भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता बड़े नेता है, आपको मालूम है. जमीनी स्तर तक काम करते वही नेता होता है और जो नेता है वो बोलता है. और आपको मैं बताऊँ, जमीनी हकीकत जो भारतीय जनता पार्टी की है वो हम लोग बूथ स्तर तक काम किए. हम 5 साल में 6 महीना काम नहीं करते, 5 सालों में केवल चुनाव जीतने के लिए. भारतीय जनता पार्टी चुनाव होने के तुरंत बाद जो है अपने कार्यक्रम में लग जाती है. हम 5 वर्षों तक जनता के बीच में रहते, इसलिए हम लोग पूर्ण विश्वास के साथ कहते हैं कि आप 11वें 12वें राउंड की गणना के बाद आप देखना भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की ओर उससे प्लस 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 होते चली जाएगी. नक्कीच आपण पाहू शकतो की भाजपच्या नेत्यांमध्ये भाजपच्या कार्यकर्त्यांमध्ये अजून सुद्धा विश्वास आहे की संध्याकाळी ज्यावेळी मतमोजणी पूर्ण होईल त्यावेळी जे आहे ते भाजपच सत्तेत आलेली असेल. व्हिडिओ जर्नालिस्ट मिथुन आत्मनेसह उदयती मांडे, जय महाराष्ट्र न्यूज, भोपाळ, मध्य प्रदेश.